पेंसिल। टेंथ क्लास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। किसे समांतर श्रेणी का तीसरा और नवा पद क्रमशः चार और माइनस आठ है। कोई एपी सीरीज है, एपी सीरीज की थर्ड टर्म फोर गिवन है। एपी सीरीज का तीसरा पद चार दे रखा है। आपको पहले बताया था एपी सीरीज की थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर। और नाइन टर्म दे रखी है अपने को, नवा पद दे रखा माइनस आठ, तो नवा पद जो दे रखा उससे एक कम होगा, तो ए प्लस एट बी इक्वल टू माइनस एट। ए प्लस टू बी की वैल्यू फोर गिवन है, ए प्लस एट बी की वैल्यू माइनस एट गिवन है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है। दो इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड, एलुमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ हिंदी में, विलोपन विधि। विलोपन विधि से दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सेम साइन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो प्लस करते हैं। सेम साइन है तो माइनस माइनस माइनस, ऐसे ए कैंसिल, एट डी माइनस टू डी इक्वल टू सिक्स, न्यू इक्वल टू माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन बाय सिक्स, डी इक्वल टू माइनस वन। इस डी की वैल्यू को, इस डी के मान को समीकरण नंबर एक में भी रख सकते हैं और दो में भी रख सकते हैं। इस डी के मान को समीकरण नंबर एक में रखते हैं, तो समीकरण एक में रखेंगे तो ए प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू फोर, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर को ट्रांसफर करेंगे प्लस फोर, फोर प्लस फोर इक्वल टू एट, तो ए की वैल्यू अपने पास एट हो गई। इस ए की वैल्यू एट, डी की वैल्यू माइनस टू अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। इस सीरीज की कौन सी टर्म जीरो है, मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद जीरो है। कौन सा पद मीन्स पहले भी बताया था मैंने, कौन सा पद का मतलब हो गया एन निकालना है। तो अपने को यहाँ पर जो अंतिम पद दे रखा, लास्ट टर्म दे रखी है, उसको जीरो ले रहे हैं, ए एन इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू गिवन है, अपन ने अभी निकाली, सॉरी ए डी इक्वल टू माइनस टू, ए एन इक्वल टू जीरो। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू एट, डी की वैल्यू माइनस टू। माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टू है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस के टू है और माइनस माइनस प्लस हो गया, एट प्लस टू टेन। माइनस टू है को ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस का पक्षांतरण करेंगे प्लस होगा, दो मल्टीप्लाई में गुणा में है तो दो का ट्रांसफर करेंगे तो भाग में आएगा, डिवाइड में, तो 10 अपॉन 2 5, तो एन अपने पास हो गया 5। मीन्स अपने को क्वेश्चन में यह है इस सीरीज का कौन सा पद जीरो है, तो अपने को यह पता चल गया इस सीरीज का पांचवा पद अपने पास क्या आ रहा है, जीरो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन में दे रखा है। थर्ड टर्म 16 है, एपी सीरीज की थर्ड टर्म होती है तीसरा पद ए प्लस टू डी बराबर 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद ए 7, पांचवा पद ए 5, इससे ये 12 ज्यादा है तो प्लस के 12। ए 7 बराबर ए 5 प्लस 12, ए 7 की वैल्यू ए प्लस 6 डी, ए 5 की वैल्यू ए प्लस 4 डी प्लस 12। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, माइनस ए से ए कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में, तो 12/2 इक्वल टू 6। इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कीजिए, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस 2 इंटू 6 बराबर 12 16, तो 2 इंटू 6 12, तो ए का मान 16 माइनस 12 4। ए अपने पास एपी सीरीज निकालनी है, एपी सीरीज की फॉर्म होती है ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड 4। ए की वैल्यू अपने पास 4, डी की वैल्यू 6, तो 4 4 प्लस 6 4 प्लस 2 इंटू 6, इस टाइप से सारी वैल्यू होती है, तो 4 प्लस 6 10,
टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, ऐसे अपन ने मैथ आगे की वैल्यू डेरिवेशन। एक बार वापस देखिए क्वेश्चन में देर का एक एपे सीरीज है, एपे सीरीज थी थर्ड टर्म गिवन है 16, तीसरा पद 16 दे रखा है, एपे सीरीज का तीसरा पद होता है ए प्लस टू बी बराबर 16। अब अपने को आगे कंडीशन दे रही है समांतर श्रेणी एपे सीरीज है, इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 है, सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो ए सेवन इक्वल टू ए फाइव प्लस 12 जो टर्म है उसमें प्लस कर दू, ए सेवन की वैल्यू ए प्लस 6 डी, ए फाइव की वैल्यू ए प्लस 4 डी इक्वल टू प्लस 12। ए प्लस 4 डी ये प्लस में ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस आएगा, ए से ए कैंसिल, 6 डी माइनस 4 डी 2 डी, 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में तो वैल्यू 6, और फिर डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, इसे ए आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्स क्वेश्चन में ये दे रखा है थ्री डिजिट के नंबर, थ्री डिजिट के नंबर है जो सेवन से डिविजिबल नंबर होने चाहिए, थ्री डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है, मतलब तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सात का पूरा पूरा भाग जाता है, तो अपने को ये लिख रखा क्वेश्चन में, बुक की लैंग्वेज है वो ये है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है सात से विभाजित है, तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि थ्री डिजिट के नंबर तीन अंकों की संख्या होती है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 से लेकर 999 999 यहां तक चलती है, तो सबसे फर्स्ट अपने को ये देखना है कि 100 या 100 से जस्ट बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये तो अपने को चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ही नंबर आता है 105, 105, तो 105 इसके बाद वाला 112 और सबसे लास्ट, स्टार्टिंग के तो दो नंबर लेने हैं और एंड का एक नंबर लेना है, तो स्टार्टिंग के दो नंबर अपन ले लें 105 112 और एंड 999 999 ट्रिपल 9, इससे जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो 994, तो एक ही वैल्यू अपने पास ही आ गई, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 और जो लास्ट टर्म है उसको अपन लिख दिया ए एन, अपने को एन फाइंड करना है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 994, ए 105, डी इक्वल टू 7, इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस को माइनस होगा, 994 माइनस 105 889, 7 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड, 889 डिवाइडेड बाय 7 127, माइनस 1 ट्रांसफर करेंगे प्लस 1 127 प्लस 1 128।